महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर हिंदुओं के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने वाले पूर्व छात्र नेता शर्जिल उस्मानी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। शर्जिल उस्मानी ने ये भाषण इस साल 30 जनवरी को पुणे की यलगार परिषद में दिया था। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे पत्र में देवेंद्र फडणवीस ने हिंदुओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले शर्जिल उस्मानी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं मुंबई में बीजेपी विधायक अतुल भातखलकर और पुणे में एडवोकेट प्रदीप गावड़े ने मुंबई के दिंडोशी पुलिस थाने और पुणे के स्वारगेट थाने में शर्जिल उस्मानी के खिलाफ लिखित शिकायत दी है। शिकायत के मुताबिक शर्जिल उस्मानी ने ये भड़काऊ भाषण पुणे के पास 30 जनवरी को 2021 को यलगार परिषद में दिया था। उस कार्यक्रम में भीड़ को संबोधित करते हुए उस्मानी ने हिंदुओं के खिलाफ जमकर जहर उगला था। अपने इस भाषण के जरिए शर्जिल उस्मानी ने लोगों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काने की कोशिश की थी। शर्जिल उस्मानी ने कार्यक्रम में कहा था कि हिंदुस्तान में हिंदू समाज सड़ चुका है। जुनैद को चलती ट्रेन में मारते हैं तो कोई बचाने नहीं आता है। ये लोग लिंचिंग करते हैं, कत्ल करते हैं। ये कत्ल करने के बाद अपने घर में जाते होंगे तो क्या करते होंगे? कोई नए तरीके से हाथ धोते होंगे, कुछ दवा मिलाकर नहाते होंगे। क्या करते हैं ये लोग कि वापस आकर हमारे बीच खाना खाते हैं, उठते बैठते हैं, फिल्में देखते हैं, अगले दिन फिर किसी को पकड़ते हैं, फिर उसकी कत्ल कर देते हैं और फिर नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं। अपने घर में भी मोहब्बत कर रहे हैं, अपने बाप का पैर भी छू रहे हैं, मंदिर में पूजा भी कर रहे हैं, फिर भी आकर यही करते हैं। लिंचिंग को आम बना दिया गया है। ये शर्जिल उस्मानी का दिया गया भाषण था। कट्टरपंथी शर्जिल उस्मानी के खिलाफ थाने में शिकायत देने वाले बीजेपी विधायक अतुल भातखलकर ने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र में इस वक्त हिंदू विरोधी सरकार है, इसलिए महाविकास आघाड़ी सरकार से कुछ उम्मीदें करना बेकार है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि पुलिस ने उनकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं की तो बीजेपी अदालत का दरवाजा खटखटाएगी। न्यूज रूम से नदीम अहमद की रिपोर्ट। सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।